घोषणा पत्र नहीं, ढकोसला पत्र है। भारतीय जनता पार्टी 500 रुपए का सिलेंडर की बात कर रही है, ये 1200-1100 रुपए का सिलेंडर भी तो इन्होंने किया, क्यों महंगा किया? क्या ये बाकी प्रदेशों में दे रहे हैं? सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा के अंदर इन्होंने फैलाई, सबसे ज्यादा अपराध हरियाणा के अंदर इन्होंने फैलाया, सबसे ज्यादा नशा हरियाणा के अंदर इन्होंने फैलाया। 40-40 बार पेपर लीक हुए, कैसा घोषणा पत्र है? क्या वही घोषणा पत्र है जिन्होंने कहा था कि 2022 तक किसान की आय डबल कर देंगे? आय तो डबल नहीं हुई, कर्जा डबल हो गया। ये वही घोषणा पत्र है जिसके अंदर कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे? ये हमेशा चुनाव के वक्त घोषणा पत्र लाते हैं, और जितनी भी इनके साथी सरकारें हैं वहाँ पे उनका कोई असर नहीं होता, वहाँ पे उसके कोई लागू नहीं करते। अरविंद केजरीवाल ने गारंटी दी है 5 गारंटी, वो दिल्ली के अंदर भी लागू है, पंजाब के अंदर भी लागू है, और हम कह रहे हैं कि दोनों राज्यों के अंदर हमने लागू करने के बाद आज घोषणा हरियाणा के अंदर की है कि वो 5 गारंटी हमने पंजाब में दिल्ली में लागू कर रखी हैं, हरियाणा में भी करेंगे। मैं इन पार्टियों से कहना चाहता हूँ, पहले ये जो आप संकल्प कर रहे हैं, गारंटियाँ दे रहे हैं, इनको अपने शासित राज्यों में लागू करें और फिर हरियाणा की बात। सर, हरियाणा में आम आदमी पार्टी की स्थिति आप कैसे देखते हैं, जबकि मुख्य पार्टियों को भाजपा कांग्रेस के बीच मुकाबला माना जा रहा है, तो आम आदमी पार्टी की टक्कर आप कैसे देखते हैं? आम आदमी पार्टी सर्वे में नहीं आती, सीधी सरकार में आती है। दिल्ली में हमारी सरकार बनी तब भी ये कहते थे कि मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। बीजेपी के 3 विधायक रह गए थे, 3 व्हीलर पार्टी बन गई थी, कांग्रेस का कोई विधायक नहीं आया था। पंजाब में भी आप यही कहते थे मुख्य मुकाबला उन दोनों के बीच में है, बीजेपी के 2 विधायक रह गए थे, साइकिल पार्टी बन गई थी। हरियाणा में इनका साइकिल भी चुनने वाला है। हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक कल चंडीगढ़ में आ रहे हैं, यहाँ से शंखनाद करेंगे और चुनाव की कमांड अपने हाथ में संभाले। एक जो भाजपा वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है, उसको आप कैसे देखते हैं, क्या देश के लिए कितना अच्छा है या कोई नेगेटिव पॉइंट आप देखते हैं? केवल चुनावी ढकोसला है। लोकसभा के चुनाव से पहले जिस प्रकार इन्होंने कहा था कि 50% महिला रिजर्वेशन बिल ला रहे हैं और उसको ठंडे रस्ते में डाल दिया, कुछ नहीं उसके ऊपर किया। आज भी मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आप 3 राज्यों के चुनाव तो साथ करवा नहीं पा रहे, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली, आप पूरे देश का इकट्ठा कराएंगे? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या नगर निगम भी इकट्ठे कराएंगे, नगर परिषद भी इकट्ठे कराएंगे, नगर पालिका भी इकट्ठी कराएंगे, पंचायत भी इकट्ठे कराएंगे? क्या आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं? देश की जनता को मूर्ख बनाना बंद करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।